गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग जो है एक स्टोरी द एनिमी पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हम लोग शुरू किए हैं। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज डॉक्टर सदाओ एंड वेयर डिड ही लिव। डॉक्टर सदाओ कौन थे और वे कहाँ रहते थे। ठीक है, हम लोग कहानी में पढ़े डॉक्टर सदाओ एक फेमस सर्जन थे, डॉक्टर थे, कहाँ के, जापान के। वे कहाँ रहते थे, जापान में समुद्र के किनारे उनका एक सुंदर सा घर था, एकमात्र उन्हीं का घर था, समुद्र के किनारे वहीं रहते थे। अब किस प्रकार से इसको लिखेंगे तो देखिए, इसको समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर सदाओ वाज ए फेमस सर्जन। फेमस का अर्थ होता है प्रसिद्ध। सर्जन का अर्थ आप लोग जानते होंगे, सर्जन ऑफ जापान। सर्जन जो है शल्य चिकित्सक, जो डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह करते हैं उनको सर्जन कहा जाता है। His house was on the seashore. Seashore का अर्थ हुआ समुद्री किनारा, उसको कोस्ट भी कहा जाता है। Seashore। It was a small stone house. It was very peaceful. Dr. Sadao lived in that house. Happy। अब देखिए, डॉक्टर सदाओ वाज ए फेमस सर्जन ऑफ जापान। डॉक्टर सदाओ जापान के प्रसिद्ध सर्जन थे, शल्य चिकित्सक थे। His house was on the seashore। उनका घर समुद्र के किनारे था। It was a small stone house, या एक छोटा सा पत्थर का बना हुआ घर था। It was very peaceful, बहुत शांत जगह था। डॉक्टर सदाओ lived in that house। डॉक्टर सदाओ उसी घर में रहते थे। With his family happily, अपने परिवार के साथ खुशी से रहते थे, खुशी पूर्वक रहते थे। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न। Chief concern
We wanted to make Sadao. He wanted to make Sadao an ideal doctor he never took and played with him. He sent Sadao. To America. At the age of 22 to study surgery and medicine. Sadao followed the advice of his father. अब देखिए, what was the chief concern of Sadao's father? Chief concern को कहेंगे मुख्य चिंता, यानी सदाओ के फादर का सदाओ के प्रति जो था उनका मुख्य चिंता क्या था, किस बात को लेकर वे सोचा करते थे सदाओ के बारे में। सदाओ एजुकेशन वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओ फादर, सदाओ के पिताजी का सदाओ की शिक्षा ही उनकी मुख्य चिंता थी, यानी सदाओ के एजुकेशन जो है उनका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य सोच था, यानी हमेशा सदाओ के एजुकेशन के बारे में सोचा करते थे। He wanted to make Sadao an ideal doctor. वे सदाओ को एक आदर्श डॉक्टर चिकित्सक बनाना चाहते थे। He never joked and played with him. इसलिए सदाओ के पिताजी जो है सदाओ के साथ कभी कोई मजाक नहीं किए, कभी खेलने का प्रयास नहीं किए, अर्थात उनका सोच हमेशा रहता था सदाओ का समय बर्बाद नहीं हो और सदाओ जो है अच्छा इंसान बने, एक आदर्श डॉक्टर बने। He sent Sadao to America. वे सदाओ को अमेरिका भेज दिए एट द एज ऑफ 22, मात्र 22 वर्ष की उम्र में। उसमें सदाओ का उम्र था 22 वर्ष, उसी समय जो है उनके पिताजी उनको अमेरिका भेज दिए, इसलिए टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन, हाँ डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, सर्जरी की पढ़ाई कर, शल्य चिकित्सा यानी मेडिकल की तैयारी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेजे। सदाओ फॉलोड द एडवाइस ऑफ हिज फादर, सदाओ अपने पिताजी के सलाह को माने, और हम लोग कहानी में भी देखे निश्चित रूप से जो है सदाओ एक ओबीडियंट सन के रूप में अपने पिताजी का कहा मानते हुए उनके सपनों को भी पूरा किए और आगे चलकर एक आदर्श डॉक्टर भी बने। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं and how they have been married.
they are married. Sadao and Hannah in America. In America. One day Sadao made Hannah in an American professor's house. Sadao married Hannah when he came to know that she too was a Japanese. The marriage was done in Japanese tradition. Now you see, how and where did Sadao meet Hannah and how they were married? क्या है? Sadao Hannah से कैसे मिले? कहाँ मिले? और किस प्रकार से शादी किए? Sadao and Hannah were in America. देखिए हम लोग कहानी में पढ़े, Sadao और Hannah जो है दोनों अमेरिका में थे, दोनों जापान के थे, पहले से कोई परिचय नहीं थी। संयोग कहा जाए कि Sadao और Hannah दोनों अमेरिका के ही थे, सॉरी जापान के ही थे, और दोनों अमेरिका में आ रह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। One day Sadao met Hannah in an American professor's house. एक दिन Sadao की भेंट Hannah से हुई, कहाँ? अमेरिका के एक प्रोफेसर के घर पर। संयोग कहा जाए, Sadao married Hannah when he came to know that she too was a Japanese. अब देखिए, Sadao माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। Sadao के पिताजी चाहते थे, जब उनका सोच था Sadao की शादी जो है जापान की लड़की से जापानी परंपरा में, इस बात का वे ख्याल रख रहे थे। तो Sadao जो है जब जान गए कि Hannah जो है वह जापान की ही लड़की है, ठीक है, तो शादी के लिए वो तैयार हो गए। द मैरिज वाज डन इन जापानीज ट्रेडिशन। उसके बाद जब दोनों लौट कर जापान आए तो जापानी परंपरा से दोनों की शादी हुई। बात समझ में आ गई? हमको लगता है कि इस स्टोरी को आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं और क्वेश्चन आंसर भी आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। किसी भी टॉपिक को या कहानी का विचार जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप आसानी से अपने शब्दों में दे सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड
सी कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट मिस्ट मिस्टर ऑफ कुहासा वाचिंग हाना एंड सदाओ सी कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट कर हाना और सदाओ ने मिस्ट फॉग कुहासा धुंध से क्या आते हुए देखा। किस समय की बात है? एक दिन शाम के समय जब हाना और सदाओ दोनों अपने घर के बाहर समुद्र किनारे टहल रहे थे, मौसम अच्छा नहीं था, कुहासा जैसा लग रहा था, धुंध लग रहा था, उसी धुंध में जो है एक घायल व्यक्ति उधर भंसते हुए आते हुए उन लोगों ने देखा, है ना। चलिए हाना एंड सदाओ दे आर स्टैंडिंग आउट ऑफ देयर हाउस आउट ऑफ देयर हाउस द वेदर वन मिस्टी मिस्टी मीन्स टू आप कॉपी कुहासा कुहासा दिख रहा था। देशाम ब्लैक थिंग कमिंग टू द सीशो कमिंग टू द सी शोर सुन दे सा सुन दे सा इट वाज ए मैन ही वाज ट्रैवलिंग अप सदाओ था that he was a fisherman they went closer and found that तुमने अमेरिकन प्रिजनर अमेरिकन प्रिजनर। अब इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। हाना एंड सदाओ वे आर स्टैंडिंग आउट ऑफ देयर हाउस हाना और सदाओ अपने घर के बाहर खड़े थे। द वेदर वाज मिस्टी और मौसम जो था वह कुहासा कुहासा जैसा था फॉगी वेदर था। दे सॉ ए ब्लैक थिंग कमिंग टू द सीशोर उन लोगों ने समुद्र किनारे एक काला जैसा चीज को आते हुए देखा। सुन दे सॉ इट वाज ए मैन नजदीक गया तो देखा वह आदमी था। ही वाज क्रॉलिंग अप और वह ऊपर की ओर रेंग रहा था यानी शरीर को घसीटते हुए किनारे की ओर आने का प्रयास कर रहा था। सदाओ थॉट दैट ही वाज ए फिशरमैन सदाओ ने सोचा कि वह कोई मछुआरा होगा समुद्र में फंस गया मछुआरा सोचा। दे वेंट क्लोजर वे लोग बिल्कुल नजदीक गए एंड फाउंड दैट ही वाज ए वुंडेड अमेरिकन प्रिजनर जब नजदीक जाकर गौर से देखे तब पता चला वह घायल वह व्यक्ति घायल था और वह अमेरिकन प्रिजनर था यानी अमेरिकन कैदी था नेवी था जापान के सैनिक उसको पकड़े थे उनको कैद किया गया था। वह कैद से भागने का प्रयास किया इसी क्रम में जापानी सैनिकों ने उस पर गोली चलाई थी वह घायल हो गया था और समुद्र में फंसते हुए वहां पर आया।
इस प्रकार से इसका क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने लिखा। आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन आंसर इस लेसन पर आधारित करेंगे। आशा है आप लोग घर पर मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। फिर एक बार आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, चिंता नहीं करना है। आप लोगों से अधिक हम लोग चिंतित हैं। और जहाँ तक सिलेबस की बात है, सिलेबस को हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगी, आप लोगों का क्लास फिर यूजुअल चलने लगेगा, हम लोग जो है अधिक से अधिक क्लास लेकर जैसे भी हो सिलेबस को पूरा करेंगे। लेकिन अभी आप लोग समय को बर्बाद ना करें, घर पर रहकर बिल्कुल मन से पढ़ाई करें और माता पिता का कहा भी माने, उन लोगों के काम में मदद भी करें। इसलिए घर हमेशा कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग अच्छे बच्चे हैं, उम्मीद है कि आप लोग घर पर शांतिपूर्वक रह रहे होंगे और सुरक्षा मानकों का भी ख्याल रखते होंगे। इसलिए अभी का सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं, इससे कोरोना वायरस से बचने का जो उपाय है इसकी जानकारी आप लोगों को भी है। बाहर निकलते हैं तो मास्क का यूज करें, घर में साफ सुथरा रहें, सफाई रखें, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। यह लाचारी है, इसको मजाक के रूप में नहीं लें, यह लाचारी है। आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है लॉकडाउन को कंटिन्यू कर रही है। जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आता है, नॉर्मल नहीं होता है, अभी शिक्षण संस्थान वगैरह खोलना आपके हित में अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, उम्मीद है कि आप लोग जो है हम लोग का सलाह मानते हुए घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।